जानना चाहूँगा, ये बहुत ही वैसे रहस्य की बात है, कभी नहीं शेयर करते, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे 3 दिन बाद मेरा क्लिनिक छोड़ना है। और वो मेरे पास आए और मुझे, मैंने उनको ऐसे शेयर किया कि सर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका ट्रीटमेंट अभी शुरू करेंगे 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मेरा दूसरा क्लिनिक रेडी हो जाएगा। तो बोले ऐसा क्या हो रहा है, मुझसे कुछ प्रॉब्लम है मीटिंग का, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ कि मेरे पास उस दरमियान जेब में शायद 10,000 रुपये भी नहीं थे। और ऐसा भी टाइम आया कि उन्होंने मेरे पास इतना पैसा भेजा कि मेरा क्लिनिक जो शायद मुझे 6 महीना लगता बनाने में, मैंने 30-35 दिन में मेरा क्लिनिक बन के रेडी हो गया। सो ऐसे लोग मेरे जीवन में रहे हैं और अभी तक मेरे साथ हैं, तो उस बात का मुझे बहुत बहुत गर्व होता है कि बिना आज तक मेरे से किसी ने, मेरे मुकेश जी बैठे हैं और भी जो इनके थ्रू हैं, आज तक किसी ने मुझे मतलब लाखों दिए लेकिन कभी किसी ने मेरे से साइन नहीं लिया। कभी ने मुझे मेरा, जब मेरा एड्रेस नहीं था जिसके पास, और मुझे उस समय 10-20 लाख रुपए देते थे जब मेरे लिए 10,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे लोगों को मैं साक्षात अपने जीवन में भगवान से मेरे लिए कम उपलब्धि नहीं है और मैं उनको साक्षात भगवान समझता हूँ। सो अभी मेरे पास थोड़ा सा मैडम और बोलो जनाए हैं, चाहता हूँ कि प्लीज़ बोले। सतोष जी को मैं 4-5 साल से जानता हूँ, जब मैं, मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली, मेरी सिस्टर्स ब्रदर्स टोटल फैमिली 20-25 सब टोटल लाइन से जाते हैं, मतलब मन रखने दिया पूजा होगी तो मेरी बहन गई तुम आए। और मेरे और डी में पेन था और मैं सूजन थी तो एकदम ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं इस साल का छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मार्च में मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी 50th, तो मेरी बेटी मेरे कपड़े सिलाने के टेलर के पास गई तो उसने बोला यार पेंटिंग लाओ क्या वहाँ पे लगा, तो मैंने वजन तो कम करके आओ। तो मैं संतोष जी के पास गया, मैंने बोला यार बेटी ने ऐसे बोली है, बोलता मुझे 2 महीने का टाइम दो मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने 2 महीने का टाइम दिया तो मेरा 11-12 किलो गया। तो इतने खुश हो गए, इतने बढ़िया आदमी है, मतलब इतने मेहनती, मैं बता नहीं सकता कि इतने छोटे से इतने ऊपर आना, और वो भी भव्य शहर के अंदर, एक बहुत चीज़ समझ वाली चीज़ है। थैंक यू सर। सो